अभी ब्लॉग देख के मम्मी को फिर मम्मी फिर गुस्सा होने वाली है, क्योंकि बताता हूँ क्या हुआ है। आजकल पता क्या हो गया, इसको टीवी फोन लैपटॉप सब समझ में आने लग गया है। स्माइल करना नहीं करना है, वो मर्जी आपकी, देना कहाँ पे। जिन्होंने कीर्तन करवाए उन्होंने गिफ्ट भी दिया साथ में। बल हेलो नमस्कार, मेरा दर्डियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होला, फर्स्ट क्लास होला। नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सुबह सुबह आपको भाई साहब से मिला देते हैं गुड मॉर्निंग, और अभी अभी पेशाब किया इसने, सुसु किया। गुड मॉर्निंग हो तो ऐसी हो भैया, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल नवरात्रों का टाइम चल रहा है, और ये देखो मम्मी इतनी बिजी हो रखी है। आपके पास समय है थोड़ा, 2 मिनट का? हाँ 2 मिनट का समय है आपके पास? 2 मिनट का समय भी नहीं है भाई, आपको 2 मिनट चाहिए मैडम, जरा आपसे कुछ बात करनी। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार जो है मम्मी, जो मैंने बताया था मम्मी की कीर्तन मंडली है, लगातार जो है हर दिन दो दो कीर्तन हो रहे हैं। कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? फोन आ गया, फिर जल्दी। आजकल बहुत बिजी हूँ मैं। हमारे सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो। और आवाज जैसे कि आप देख रहे हो, आवाज बिल्कुल बैठ चुकी है, आवाज बिल्कुल बैठ रखी है। आजकल रोज कीर्तन हो रहे शाम से सवेरे, आवाज गई लेकिन फिर भी जोश कम नहीं है, आज फिर जाना है। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ अपने प्रोटीन शेक बनाने की। और आप ये देखो, आजकल नवरात्रों में भाई साहब मतलब केलों की दिक्कत ही नहीं है, प्रसाद ही प्रसाद रखा हुआ है। और बढ़िया से बनाते हैं अपना प्रोटीन शेक और तैयारी करते हैं सुबह के नाश्ते की। तो चलो भाई, मैं अभी जिम चले जाता हूँ, आज थोड़ा लेट जा रहा हूँ। यार ये बाइक धुले हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत गंदी हो रखी है यार, आज इसको भी धोनी है, पूरी गंदी हो रखी है। आई थिंक 1 महीना हो गया मैंने धोई नहीं है। ये रहा भाई अपना जिम, कल्ट फिट ब्लैक विगोर। अभी ब्लॉग देख के मम्मी को फिर मम्मी फिर गुस्सा होने वाली है, क्योंकि बताता हूँ क्या हुआ है। ये देखो ये देखो ये देखो, चाबी भूल गया। तो भाई जिम वगैरह फर्स्ट क्लास हो चुका है, मैं आपको अपने जिम पार्टनर से मिलाता हूँ। तो भाई का नाम है सूरज। हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया जिम करते हैं भाई। बढ़िया भाई, इसलिए कहता है भाई तक गया, क्योंकि भाई तो बहुत तगड़ा वेट मारता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ पहुँचने की। नहीं, दिखाओ ना मेरा एक बार। कितना है, कितने इंच का होगा ये? देखो हाथ में भी नहीं आ रहा भाई। भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? भाई करते हैं पौड़ी से, पौड़ी से निशनी, निशनी गांव से भाई, निशनी गांव से मतलब पड़ोसी गांव हो गया हमारा। और कितना टाइम हो गया हमें जिम करते करते? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, बीच में गैप भी बहुत मारा है आपने। मैंने तो बहुत मारा गया भाई, तो ऐसे ही अपना डेली का रूटीन। तो भाई थोड़ा मोटिवेट करता रहता मुझे कि और वेट मार ले, और वेट मार ले। चलो घर की तरफ चलते हैं, जूस पीने चले, जूस पीने। आज तो फास्ट है तुम्हारा, चलो भाई जूस पीने चलते हैं, आज जूस ही जूस कर देंगे। भाई का घर कहाँ पे? सेक्टर 1, सेक्टर 1 में। और भाई गाड़ी से आता है, बढ़िया करके है। जिम बंदा भाई गाड़ी से आता है, सोचो है? अरे वो हेलमेट लगाने का झंझट पड़ता है ना। स्कूटी से भी आता काफी बार, आज मेरे ख्याल से गाड़ी निकल दी। आज फास्ट है ना भाई का, थोड़ा फास्ट, इस वजह से थोड़ा जोर नहीं लगना चाहिए। तो भाई आ गए अपने जूस की दुकान में, यहाँ मिल जाता है हर किसी का जूस, हर किसी फल का जूस। तो भाई अपना जूस आ गया है मिक्स, बिना नमक का, क्योंकि फास्ट है भाई का फिर भी, और फास्ट के दिन भी जिम कर रहा है भाई अगला बंदा। बढ़िया है यार, ये लौंडे में जोश नहीं है आजकल ना, डेडिकेशन तुम में तो है लेकिन लोगों में नहीं है। प्रोटीन से बढ़िया तो यही है जिम, क्यों? खुद ने अभी प्रोटीन का डब्बा ले लिया है और भाई कह रहा है कि जूस बढ़िया है, गलत बात है भाई ये। इसको देखो यार, ये जैसे इसको उंगली पकड़ाऊंगा ना, ये खाने को रेडी हो जाता है, इसको ये अपने मुंह ले जाएगा। 1 महीना और रह गया बस तेरे खाने में, 6 महीने के बाद खिलाते ना तेरे को, तब खिलाएंगा तेरे को छोटी छोटी चीजें, मीठी मीठी, खट्टी खट्टी, सब चीजें खिलाएंगे तेरे को, है ना। तो यार मैं आ गया था जिम से, और बढ़िया से मैं खा पी के सो गया था, और ये भी सो रखा था उस टाइम पे,
और अभी हम दोनों चाचा भतीजे जो हैं साथ में ही उठे हैं, है ना, साथ में उठे हैं। और आज हम दोनों जो हैं वो मैच देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच यहाँ पे चल रहा है। तो आजकल पता क्या हो गया, इसको टीवी फोन लैपटॉप सब समझ में आने लग गया है, और ये प्रॉपर जो है आंख लगा के एकदम से देख रहा होता है। अगर ये वहां लेटा हुआ सामने और टीवी चल रहा है तो वो मुंडी ऐसे ऐसे करके टीवी की तरफ ही दिखता रहेगा। हमने तो चीजें बहुत बाद में देखी हैं, पर चलो आज की जनरेशन है, ये तो बचपन से ही मतलब इनसे कितना ही अवॉइड करवा पाएंगे, बड़ा होता रहेगा तो आदत हो ही जाएगी इन चीजों की भी, है ना, है ना कानू। मैच देख रहा है, इंडिया इंडिया इंडिया। तो अभी आ गया हूँ नियर बाय मार्क मॉल में फोटो क्लिक करवाने इमरजेंसी में। कैसी क्या इमरजेंसी पड़ेगी जो मैं फोटो क्लिक करवानी पड़ रही है? बहुत प्रोफेशनल शूट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांड कोलैबोरेशन, मॉडल का जो एक ब्रांड मिला है इसको, ये मॉडलिंग करने वाला बहुत जल्दी। और मेरी, और पता है मैं कैसे दिखूंगा उसके बाद, ये फोटो क्लिक कराने के बाद कुछ ऐसा ऐसे मेरा पोज है। अभी थोड़ा कुछ एडिटिंग इसमें चल रही है भैया के हाथों से, अब इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे, मेरे जो खड़े वाले हैं उनको बिठा देंगे भैया, बेहतरीन जो है वो काम हो जाता है यहाँ पे, और सूट पैंट टाई वाई सब लग जाती है भाई। मेरा एक दांत लग जाएगा ये राइट राइट वाला जो खाली स्पेस है, तो मेरा एक दांत लग रहा है भाई यहाँ पे देखो। अरे भाई क्या बात है, ये वाले दो हैं, ये बिना दांत वाला है और ये दांत वाला है, पर मैं जाऊंगा इसके साथ ही बिना दांत वाले के साथ। तो अभी चेक कर रहे थे हम लोग कि फ्रेम्स वगैरह का क्या है यहाँ पे रेट वगैरह, यहाँ पे सब कुछ लगा रखा भैया ने, तो फोटो वगैरह दे सकते हो और फ्रेम बढ़िया से बना सकते हो। तो हर बार हम यहीं पे आते हैं, कुछ भी फोटो वोटो का काम रहता है। तो अभी आ गए भाई राजू चाप वाले के पास, अफगानी चाप खाने के लिए। देख रहे हो इनके हाल देख रहे हो, सुबह की गई हुई है और अभी टाइम हो रहा 7, अब आ रही है घर में, अपने लड़के वड़के हैं, अपना पोता होता है, किसी का ख्याल नहीं तुम्हें? क्या ये नहीं रही है घर में, बहू है, बेटी है, तो क्या है आजकल ऐसे गायब हो रहे हो तुम, सुबह निकलते हो शाम को आते हो यार, काहे की चिंता हमें, जब घर में है बहू बेटी सब होता हमें क्या। देखो आवाज भी कैसी हो रखी है भाई साहब, कैसा रहा आज का कीर्तन, कैसा रहा आज का कीर्तन? बहुत अच्छा, हमेशा ही अच्छा चल रहा है, मंडली अच्छा कर रही है, सब बढ़िया कर रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया आवाज बैठ गई। अगर किसी को आपकी मंडली को बुक करवाना हो तो आप जरा एक बार कुछ बता देंगे? जैसे जिसकी मर्जी जो है जो चढ़ा, जो श्रद्धा से जो रहे, जिसकी जो श्रद्धा हो वही बस मानती है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी बढ़िया से मंडली जो है पूरा भरपूर जो है वो जोश के साथ अपना कीर्तन मंडली करती है, कीर्तन गढ़वाली में करते हो हिंदी में करते हो? जहाँ जो गढ़वाली है वहाँ तो आधा गढ़वाली हिंदी जो जैसे चलेगा, जैसे जो देसी है उनके यहाँ तो हिंदी चलते हैं। अच्छा। अब कल भी है देसी, बहुत सारे देसी, अब कल भी है, कल भी, कल सुबह भी है और फिर तुम गायब रहोगे कल, कोई फर्क नहीं है लड़कों ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है कोई मतलब नहीं है, नहीं आप लड़के छोटे हैं, मैं जो उनकी चिंता करूँगी। सही बात, सही बोल रहे हैं, अब तो शादी हो गई, एक शादी लायक है, अरे बहू है, बहू, अरे भाई लड़के तो देखो ना, ये चाप आप लेके आ रहे हैं अपने लिए। और अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच भी चल रहा है और इस इंडिया का स्कोर चल रहा है अभी 64-0 और रोहित शर्मा खेल रहा है, और ये बंदा अगर चाहे तो मैच जो है वो 20-30 ओवर में ही खत्म करा सकता है, इतनी इसकी क्षमता है बंदे में। तो ये जो है वो मम्मी को गिफ्ट मिल रखा है, जिन्होंने कीर्तन करवाया है उन्होंने गिफ्ट भी दिया है साथ में, इसको जरा अनबॉक्स करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, ऐसा लग रहा था पहले मुझे छतरी टाइप की हुई है, अबे हो सकता है, अबे रुको भाई छतरी ही लग रही है मेरे को ये, ओबे भाई जी सही में यार ये तो छतरी निकली है, सही में छतरी निकली यार ये, इसकी हमें जरूरत भी थी, सही में छतरी निकली यार ये, मेरे को लग ही रहा था कि छतरी ऐसा क्या हो, मैंने मुझे लगा छतरी कौन देता है उसके बाद, यूजफुल गिफ्ट पर ये काम का गिफ्ट है यार, ये काम का क्यों है, क्योंकि एक्चुअली में हमारे घर में ढंकी छतरी नहीं है, जो है वो पता नहीं कितने साल पुरानी छतरी है, तो ये बेहतरीन, बहुत सुंदर है वो, प्रिंट भी बहुत अच्छा, बेहतरीन छतरी वो, देख अरे वो कैसे देख रहा है छतरी, छतरी दादी का गिफ्ट, उसके लिए तो काना के लिए तो पहली बार ही है ना कि दादी का गिफ्ट, देखो काना ने तो पहली बार छतरी देखी ना, उसको क्या पता छतरी का क्या मतलब है, लेकिन उसके लिए तो नया एक्सपीरियंस है, जब स्कूल जाएगा ना
है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और जो लोग पहली बार इस ब्लॉग में आ रहे हैं उनको बता दूं कि मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हमारा गांव का नाम कठुली है और हम लोग रहते हैं वसुंधरा गाजियाबाद में है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और हमारे पुराने ब्लॉग्स भी आप देख सकते हैं। रिसेंट में मेरे कजन की शादी हुई थी तो उसकी एक सीरीज मैंने बना रखी है, वो आप लोग जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।